हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज दिन की शुरुआत 9 बजे से हो रही है और अभी मैं उस मोड़ पे हूँ जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है और यहाँ पे मैंने अपने वीडियो अपलोड में लगाई हुई है आज सुबह सुबह, क्योंकि अभी मेरे को घर पर जाना है और आज जो अबारा गायों के लिए जो शेड बनाना है तो उसका मेजरमेंट करना है मेरे को और उसका एक प्रॉपर एस्टिमेट बनाना है। जितना शेड बनाने में बजट लग रहा है तो वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। यहाँ पे आवारा गायों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है जिसके कारण से खेती पूरी नुकसान की जा रही है हमारी, तो जल्दी से जल्दी ये काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट बना रहे यूं ही, तो फिलहाल अपना वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं घर को। मेरे पास इंच टेप नहीं था तो अनिल भाई मिले मेरे को और इंच टेप इतना बड़ा वाला रखा है इनने, तो ये भी काफ़ी सार्वजनिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मेरा तो हमेशा साथ करते हैं। तो अभी ये और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे नापने के लिए, तो उसका प्रॉपर एस्टिमेट बनाने के लिए कितना मीटर है, कितना वो लंबा, कितना चौड़ा। फिलहाल अभी पहुँच गया हूँ घर पे, यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। अब गुन्नू ये मेरे को देखते ही भागी। गुन्नू गुन्नू रॉकी आवारा का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है, 5वां दिन है आज। हाँ तो यहाँ पे चेंज करते हैं फिर चलते हैं। अभी नाश्ता करके अब निकल पड़े हैं काम की तरफ को, वहाँ को जहाँ हमें जाना है। आज मेन फोकस जो है हमारा वो है और यहाँ से सौ ले जाने हैं। यह हानल पूरा खेत जो लाया इधर ठुल बहुत ठुल हुई सर, देखो ना उधर जाते समय मेरे को ये गाय को देना है सौ, तो खिलाते हैं गाय को, साथ साथ ही काम चलते रहते हैं मेरे भी ऐसे ही। अभी दे दिया है बच्चू और मन्नू को घास, दोनों खाने में लगे, खा कर रहा हूँ भैंस कहेगी खा। और ओ वहाँ पे जाना है ऊपर ये पेड़ के पास है यहाँ पे, तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें गाय के लिए बनाना है। ऐसे यहाँ से नीचे से ये वाली जगह, यहाँ से भी है, यहाँ से ऊपर को वो पेड़ तक और वहाँ तक वो बड़ा पेड़ दिख रहा है यहाँ तक, ये अमरूद का पेड़, नीचे वाला खेत नहीं है अभी हमारा। अभी इसको करते हैं मेजरमेंट कितना निकलता है ये, वो वहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं। और पानी की पाइपलाइन भी जा रही है तो इसलिए यहाँ पर अच्छा है बनाने के लिए, पानी भी मिल जाएगा गायों के लिए ना, एक टैंक बनेगा यहाँ पे पानी के लिए, क्योंकि फिर यहाँ से अलग से रास्ता है नीचे को। तो चलो करते हैं इसका काम। अनिल भाई ला के आए हैं फीता, पहले तो जो ये एरिया है पहले इसको बराबर करना है, यहाँ से दीवार लगेगी ऊपर को और फिर ये बराबर होगा तब जाके बनेगा इसमें। तो यहाँ तक ये आ रहा 27 मीटर, वो वहाँ से अनिल भाई लिखने में लगे हैं यहाँ पे इधर साइड को, तो ये टोटल जो लंबाई हो रही है 27 मीटर हो रही है। तो अब नीचे को नापते हैं कितना हो रहा है करके, 27 मीटर लंबा एक बड़ा ही शेड बनाते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है हमसे। यहाँ से 8 मीटर है ही जगह यार, 8 मीटर चौड़ा, 7-8 चौड़ा लंबाई चौड़ाई आठ। अनिल भाई लिखने में लगे हैं लंबाई चौड़ाई। इधर का काम हो गया है अभी और जो टोटल लंबाई निकल ली वो 27 मीटर निकल ली और करीब 9 से 10 मीटर चौड़ा और 27 मीटर लंबा, और इसको बराबर भी लैंड भी प्लेन करनी है तो उसमें भी खर्चा होगा, तो खर्चे ही खर्चे हैं, बाकी देखते हैं मैनेज करते हैं। और बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा तो फिर देखते हैं, एक बार प्रॉपर एस्टिमेट बना लेता हूँ मैं कितना लगेगा क्या लगेगा और कैसे कैसे ये बनेगा करके एक डिजाइन तैयार कर लेता हूँ। अभी तक मेरे पास जगह का एस्टिमेट नहीं था तो अब जगह का एस्टिमेट आ गया है,
अब मटेरियल और उसके बाद लेबर कॉस्ट जितने भी लगेगी तो उसका एस्टिमेट बना लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद देखते हैं आगे को। अभी मैं भी पहुंच गया हूँ घर पे और यहाँ पे गुन्नू को कंघी दे रखी है, तो कंघी बाल बना लम्बे बाबड़ा जी पापा ऐसे बाल बनाती है गुन्नू अपने कंघी से। ये मेरे भी बाल बनाने की कोशिश कर रही है पर लेकिन उससे हो नहीं रहा है। लम्बे बड़न है लादी पे देखी दे देती भी नहीं है। दे दिया यार बाप रे, नहीं दिया। चल ये बैठ 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 ये लो खूब बनाओ फिर अपने हाथ से बनाती हो बल लप्पा पागल बड़ा दिन। ये गिर गई ऐसे बाल बनाती है मेरी लड़की। आपके भी बाल बनाने हैं तो आ जाओ गुन्नू के पास, कितने फर्स्ट क्लास बाल बनाते हैं अपने, कैसे बना रखे हैं चुटिया चुटिक चुटिक चुटी बाल। ओए शाबाश। तो ये हमारी मस्ती तो होते रहेगी। अभी पहाड़ी किचन का खाना आ गया है बाहर। गुन्नू हमारी यहाँ पे खेलू में लगी है, ये पाउडर डाल ली है आज और मम्मी भी खाना डालने में लग गई है। गुन्नू भी नहा धो के दो चुटिया बना के मस्त से ये अरे गुन्नू हेलो ऐसे हेलो करती है। देखो हैं खाई कने है और पीने में ना हमारे पास और छांस है हमारी गाय की छांस, तो हम पानी नहीं पीते हैं और ज़्यादातर मतलब खाने के साथ छांस पीते हैं तो शरीर थोड़ा सा सही रहता है, इससे बीमारियां कम लगती है और एक तो फ्रेश है हमारे घर की है इसलिए भी अच्छा है। और गुन्नू को भी पिला देते लग दो गुन्नू ये ऐसे करती है ये भी छांस पीती है गुन्नू हमारी। बस सब पी लिया, इतना पी लिया इसने एक बार में ऐसे करती है। चलिए जी खाना भी लग गया है, अब चलो खाने का आनंद लेते हैं। पीने में हमारे पास छांस है, गुन्नू हमारे पास ऐसे यहाँ पे आओ। अब ये खाना पीना हो गया है, यहाँ पे हमारे घर में पूजा होने वाली है तो अब जो जागर लगाता है उनके सलाह करने के लिए मतलब उसे सलाह मशवरा कब उसको टाइम है और कब हमारा टाइम बैठ रहा है, तो इस तरीके से तो उनसे सलाह मशवरा करके आते हैं और फिर देखेंगे। तो चलते हैं अभी उनसे मिलने के लिए, गुन्नू का भी बर्थडे आने वाला है तो उसको भी मैनेज करना है, सब चीज़ मतलब सब साथ साथ ही है। छोटे भाई साहब भी हमारे पहुंच जाएंगे कल, आज रास्ता लग जाएंगे और दिल्ली से तो कल घर पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे घर में पूजा होने वाली है और थोड़ा सा गायदान पाठ भी करेंगे, जो देवता है लोग हैं देवी देवता हमारे घर के हैं सब शांति पाठ हम कर रहे हैं घर पे, तो उसके लिए अभी चल रहा है प्लानिंग। और ये धर्म का महीना माना जाता है पूस का, तो इसलिए इस महीने में अच्छा मानते हैं हमारा ना। वो भी चलते हैं वहाँ को यहाँ जगरी के सलाह करने के लिए। ये धो रही है मुँह सुबह से, अभी उठ रही है जी महादेव बुढ़े महादेव बुढ़े स्मार्ट लग रही है, मुंह भी नहीं धोया है सुबह से, आज संडे है ना इसलिए। ये है यमराज का घर, यमराज यहाँ पे रहता है इधर और हमारे कांतीदा जगरी भी यहीं रहते हैं, इन्हीं से बात करनी है अभी, उसी के लिए मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। और महादेव बुढ़े यहाँ पे मुंह भी नहीं धोया सुबह से, प्रकाशा जगरी साहब वहाँ नहा रहे हैं उधर, और यहाँ से धूप भी चलेगी है, जल्दी चले जाती है यहाँ से भी हमारे वहाँ की तरह ठंडे से हैं। ऐसे रोते हैं को देना चाहिए, उजाला यहाँ से अंधेरा का
इनके लिए एक नया सूरज लगाना है ऊपर से। नया सूरज बुढ़ा। अभी वहां से तो आ गया हूँ और अब आ गई है रिंकू भाई, मुर्गी की गाड़ी आ गई है, तो मुर्गी उतारने के लिए अभी जा रहा हूँ दुकान में यहाँ पे। और धान खत्म हो रहे ना, भात बनाएंगे परसों, तो उसके लिए धान चाहिए, तो चक्की में लेके जा रहा हूँ धान कूटने के लिए। ओहो, चलते हैं फिर ऊपर को। उतार ली गई है मुर्गियाँ ये सब, और 31st भी आ रहा है ना, इसलिए ज्यादा उतारना पड़ता है माल, क्या पता ज्यादा कर जाएंगे। क्यों रिंकू भाई, और बिजनेस अच्छा हो जाएगा, पैसे कमाएंगे। गुरु जी तो जा रहे हैं, मुर्गियाँ ही नहीं खा रहे हैं आजकल। उतार ली है अभी मुर्गियाँ, अब देते हैं रकम। कितना हो गया है? तो अभी दोस्तों शाम हो गई है और अब टाइम हो गया है घर जाने का। दुकान मैंने बढ़ा दी है, दुकान के जो भी काम थे आज कर लिए हैं, और कल है मंडे, मंडे के लिए मैंने डिमांड देनी थी, वो भी दे दी है। तो अभी चलते हैं घर को खाना खाने के लिए। और आज फाइनली छठे दिन, पांचवे छठे दिन पहुंच रहा हमारा रॉकी साइड घर को। जनाब पहुंच गए? हेलो जनाब पहुंच गए? और देखो कैसे मस्त करके सोया है छैल में, पहुंच गया मतलब। और मुंह देखो कितना काला करके लाया है, गंदा अबारा रॉकी, कुत्ता कहेगा, घर भी नहीं आता है। आज इसके रॉकी की रानी ने रॉकी को भगा दिया है, लाभ नहीं चाहिए तो इसलिए आ गया है, और अंदर भी नहीं आ रहा है, आज बाहर ही है। और इसके वहां यहाँ पे बेल्ट बांधा था, बेल्ट भी पता नहीं किसने खोल दिया है। हमारा हमारा रहेगा तो ऐसा रहेगा, कुत्ता कहेगा, कुत्ता है तू कुत्ता। अभी चलते हैं खाना खाने के लिए पहाड़ी किचन में। ये था दोस्तों आज का दिन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।